नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूजन किक्की में। लखनऊ वासी, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आज हम जिस मेले को कवर करने आए हैं उसमें हम थोड़ा सा लेट आए हैं। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस बारे में बात करेंगे कभी और। फिलहाल मैं इस वक्त खड़ी हूँ और मेरे पीछे लगा हुआ है स्वदेशी मेला और लोकेशन है आपकी फन मॉल जो है उसके ठीक सामने। अगर आप जो रोड क्रॉस करेंगे वहाँ पर संगीत नाट्य अकादमी, जहाँ माटी कला मेला भी यहीं लगा हुआ था दोस्तों। कल 26 तारीख को इसका आखिरी दिन है, लेकिन कल रविवार है और शनिवार और रविवार ही दो ऐसे दिन होते हैं जो आपके जैसे हमारे जैसे जो कामकाजी लोग हैं, परिवार हैं, वो इसी दिन आके मेले का मज़ा लेते हैं दोस्तों। तो चलेंगे अंदर और जब मैं आ गई हूँ और हम जब वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको घर बैठे बैठे पूरा ब्यौरा, पूरा मनोरंजन मिलेगा, इसकी गारंटी तो मैं आपको निश्चित रूप से दे सकती हूँ। तो देर आए दुरुस्त आए, चलते हैं अंदर। मेले के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं दोस्तों, जैसा कि नाम है स्वदेशी मेला, तो आपको उस हिसाब से जो जिसको हम मौनी दौड़ी या छैटी कहते हैं अपनी भाषा में, वो दिख जाएगा। इस तरफ भी आपको वही सारे सामान मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो हमारे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, देसी जो चीज़ें होती हैं, उनको बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। जो हमारी दादी थी या उनसे पहले की पीढ़ी थी, वो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसको बाँस के रस्सियों के माध्यम से बनाते थे। हमारे यहाँ पटना बिहार में इसको मौनी दौड़ी छैटी इत्यादि कहते हैं, छोटे वाले को मौनी कहते हैं। और इधर की तरफ आपको हर मेले की तरह यहाँ पर भी खूब सारी बढ़िया बढ़िया क्रॉकरीज दिख जाएंगी। कॉफ़ी मग्स हैं, प्लांटर्स हैं, पॉट प्लांटर्स हैं, बड़े बड़े गमले भी आपको मिल जाएंगे। सब सिरेमिक के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, अचार का मर्तबान जार, स्टोरेज वाला तुलसी पौधा लगाने के लिए गमला, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसी तरीके से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे लगे हैं कुछ वूलन कपड़े, स्टैचूज़, डेकोरेटिव आइटम्स और सर्दियों के लिए बेहद ज़रूरी कालीन भी आपको यहाँ मिल रहा है। तो धीरे धीरे हम चलेंगे अंदर की तरफ और देखेंगे क्या कुछ है। कल 26 तारीख आपके पास दिन है दोस्तों, और दिन है रविवार का, पूरा दिन है आपके पास देखने के लिए, तो आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं जिनके प्राइसेस भी लगे हैं। 15,000 रुपये कीमत है, किसी की है 1,000 रुपये, किसी की 400। तो इस तरीके की ऑयल पेंटिंग या फिर जो आपके ऐसे इफ़ेक्ट्स वाले पेंटिंग होते हैं ना, जिसमें 3D काइंड ऑफ लुक आता है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और इसी तरीके से दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हैं, कुछ स्टॉल्स पर आपके काफ़ी कलरफुल आइटम्स भी मिल रहे हैं, बैंगल्स वगैरह। और उसके आगे पूजा का जो सामान होता है, पूजा के जो बर्तन होते हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। और ये रहा आपका स्वदेशी मेला। तो बस अंदर की तरफ बढ़ते चलिए, देखते चलिए। और फिलहाल तो पूरे जोर शोर से शबाब पर है मेला, क्योंकि कल तो इसका अंत है दोस्तों 26 को, तो पूरे उफान पर जो है मेला इस वक्त लगा हुआ है। तो चलिए अंदर चले। आपने मुझसे पहले जो भी वीडियोस देखे होंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस जो लोगों ने बनाए हैं, उसमें इस ज्वेलरी का जिक्र तो आपने ज़रूर देखा होगा। मैं भी आपको करीब से दिखाती हूँ। और जैसा कि बताया भैया लोगों ने कि ये जो है बोन्स जो हैं जानवरों की, जो हड्डियाँ हैं उसके ऊपर ये इयर रिंग्स बने हैं। उसके अलावा जो ये कंघे हैं वो भी उसी चीज़ से बने हैं। हालाँकि मुझे इतना नहीं पता कि हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हम इसे इस्तेमाल करने में कितना सक्षम या सही रहेगा, लेकिन आप चाहें तो एज अ जो यूनिक पीसेस कलेक्शन करते हैं वो उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर थोड़ा क्लोजअप अगर आप करें तो देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर आपको इयररिंग्स यहाँ पर दिख जाएंगे, चांद बालीज वगैरह हैं, और बहुत सुंदर सुंदर झुमकियाँ भी आपको दिख जाएंगी जिनके कलर पैटर्न्स वगैरह बेहद खूबसूरत हैं। तो ये आपका एक एंट्रेंस पर ही स्टॉल है जहाँ आपको बढ़िया सुंदर इयररिंग्स वगैरह मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी यूनिक कलेक्शन है। रिंग की भी कलेक्शन अगर आप देखो तो इस तरीके के आपके जो फैंसी रिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्या प्राइस है भैया इनका? 100 रुपीज़ ईच जी। तो आप देखिए कि इस तरीके जी भैया जी, मीनाकारी जयपुर का कलेक्शन है, मीनाकारी जयपुर का कलेक्शन। भैया आपका शुभ नाम? अकील अख्तर। अखिल अख्तर। अच्छा अखिल भाई, ये बतलाइए कि उसके अलावा जो चीज़ें, हालांकि अब तो मेला जो है समाप्ति के कगार पे आया हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई ज़्यादा पीसेस वगैरह ले जाता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह मिलेगा या अभी प्राइस सेम है? मेरे वहाँ तो ये है कि शायद ईमानदार दुकानदार हमको कह रहा हूँ ज़्यादा रेट नहीं लगाते हैं, तो रीजनेबल प्राइस ही रखते हैं, उसमें भी जो कम हो पता करते हैं। जी। तो देखिए कि भैया के पास कलेक्शन जो है बेहद खूबसूरत और सुंदर है। एक आध पीसेज मैंने आपको दिखाया, सुंदर सुंदर झुमकी है, 100, 200, 150 यही प्राइसेज हैं। और आप आइए ज़रूर यहाँ से लेके जाइए।
उसके अलावा यहाँ पर मिल रहे हैं आपके वही सारे सूट्स के फैब्रिक बनारसी वगैरह पर भी है, बाकी चीज़ों पे भी है, बहुत सुंदर है दोस्तों, आप देखते चलिए। फिर है आपका जैविक उत्पाद और वही मड़ुआ का आटा और पहाड़ी जो हमने उत्तराखंड महोत्सव में कवर करा था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आटा वगैरह है, मंडुआ, राजमा, जाखिया, फरन, तो जो वहाँ का उत्तराखंड महोत्सव में जो आइटम्स था वो सारा आइटम आपको यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का भी बढ़िया स्टॉल यहाँ पे है। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? मोमिन कुरैशी जी। तो कुरैशी भाई, ये बतलाइए कि आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें रखी हैं आपने? मैंने अपने स्टॉल पर मार्बल से बनी हुई आकृति, जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट फाउंटेन है, लॉयन है, यहाँ पर ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले पर्स वगैरह, सब डेकोरेटिव सजाने के आइटम्स आपके पास है? जी जी। तो जैसे ये जो खूबसूरत हाथी का सेट है, ये मार्बल के ऊपर तैयार किया हुआ है? यस यस जी। और क्या कीमत होगी भैया? ये मार्बल से कटिंग करके वन पीस में बना हुआ है और उसके ऊपर ये गोल्ड वर्क का काम है। इसका कीमत 6,500 रुपये की जोड़ी है। 6,500 की जोड़ी, हाँ, जो शोरूम में आपकी मिलती है 8-10 हज़ार की है। तो आप देखिए कि वन सिंगल पीस मार्बल के ऊपर जो है ये खूबसूरत हाथी काफ़ी वज़नदार है, मैं आपको दिखला दूंगी खरीब से। ये आपको 6,500 रुपए की जोड़ी पड़ेगी दोस्तों। और इसके ऊपर ये क्या वर्क किया हुआ है भैया? गोल्ड वर्क है ये, गोल्ड वर्क है यहाँ, इसमें जो काम आता है उसका काम है जी। तो दोस्तों, अब तो एक ही दिन रह गया है मेले में, आप कुरैशी भाईजान के स्टॉल पर आइए और बढ़िया सुंदर सजावटी सामान लेकर। जोड़ियाँ हैं जिससे कि ये 500 का है, वाले 500 के? जी जी, जोड़ा जोड़ा जी जी। तो अगर आप चाहें तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए इस तरीके के सुंदर जो एलिफेंट्स हैं, कार्व्ड है मार्बल के ऊपर, ये आपको 500 का जोड़ा मिल जाएगा दोस्तों। ये भी आप लेके जा सकते हो, गिफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। और बड़े वाले जो लॉइंस वगैरह, ये बड़े लॉइन हैं, इनको आप गार्डन में या अपने कोठी के बाहर कहीं भी इसको रख सकते हैं आउटडोर के लिए। यस, आउटडोर। ये लॉन्ग लाइफ है, इसकी जोड़ी है 1,70,000 रुपये। 1,70,000। तो सपोज़ कि जिनका घर या गार्डन वगैरह काफ़ी बड़ा है, तो यदि वो ले जाते हैं तो इसका मेंटेनेंस वगैरह कैसे होगा? इसको आसानी से वॉश कर सकते हैं साबुन से, शरफ से, नो प्रॉब्लम। और ये लॉन्ग लाइफ आइटम है, मतलब पूरा लॉन्ग लाइफ आइटम है, इसको बस वॉश कर दिया, क्लीन हो गया जी। और कुछ फाउंटेन्स वगैरह भी सुंदर आपने अपने स्टॉल पर सजा रखे हैं, तो जैसे ये जो बुद्धा वाला फाउंटेन है, इसकी क्या प्राइस हो? इसकी रेट वैसे आती है 30,000 रुपये, हमने यहाँ पर रखा है 25,000। हाँ जी। और भी हैं जो 15,000 का भी है, 20 का भी है, मतलब रेंज के डिज़ाइन के हिसाब से रेंज भी अवेलेबल है जी। और आप एक आध आइटम अगर देखें दोस्तों, इसको तो आप अपने हॉल वगैरह में भी रख सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगेगा। तो आप देखिए कि कुरैशी भाई के पास जो है बढ़िया खूबसूरत सजावटी सामान मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। थैंक यू भैया। बच्चों के खिलौने भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, नाम है स्वदेशी मेला। तो स्वदेशी जो किचन सेट है, लट्टू है, लकड़ी के खिलौने हैं, गिल्ली डंडे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रोप वगैरह है। और अगर गुलेल अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, तो फिर स्वदेशी मेले में आपने क्या देखा? कुरैशी भाईजान के स्टॉल पे एक बढ़िया आइटम मेरे से चूक गया दोस्तों, वो मैं दिखाऊं। मार्बल के ऊपर आपका तुलसी का पौधा लगाने का बहुत सुंदर यहाँ पे जो है गमले का स्टैंड है, साथ ही साथ नीचे आप दीपक जला सकें उसके लिए भी ये जो स्पेस दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। बढ़िया ट्राइबल ज्वेलरी आपको यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, बिल्कुल देसी खालिस अंदाज की जो ज्वेलरी होती है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। मिरर वर्क वगैरह है, छोटे छोटे जो इस तरीके के पीसेस होते हैं थोड़े से ऑक्सीडाइज्ड के ऊपर, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। और पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ज्वेलरी जो है वो काफ़ी फाइन और बढ़िया है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज के ऊपर और ऑथेंटिक पीसेस। स्वदेशी मेला इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है दोस्तों। सामने अगर आप देखें स्टेज की तरफ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कविता वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो चल रही है। वही कालीन का स्टॉल आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। सब जगह घूमते घूमते और जाते जाते कुछ लोग जो है वो हमारे खास हो जाते हैं, हमें पहचान जाते हैं। झा जी हमारे साथ हैं, मेले का अनुभव कैसा रहा इस बार ये बतलाइए।
ठीक रहा, हाँ ठीक रहा मैम। कैसी बिक्री वगैरह अच्छी हुई मैडम? अच्छी हो रही है जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब तो एक दिन और है, मैं चाहूंगी कि कल संडे रविवार को भी बढ़िया बिक्री हो। तो देखिए दोस्तों, झा जी को तो आप पहचान ही गए होंगे, उनके साथ में मैडम भी हमारे साथ हैं और बहुत बढ़िया स्टॉल उनका वहाँ भी था और यहाँ भी इनके स्टॉल पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कल रविवार है, आपके पास पूरा समय है, कल भी आप ज़रूर आइएगा। नमस्ते सर। सुंदर सुंदर लैंप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो पहले सर से बात कर लें। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? विजय बहादुर दीक्षित। विजय बहादुर दीक्षित जी, तो सर ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो ये छोटे वाले लैंप्स हैं, इनकी क्या कीमत होगी? ये 500। यस यस जी। और ये बड़ा मार्बल वाला जो आपके हाथ 800। यस जी। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी हम मेलों वगैरह में जाते हैं तो ऐसे आपने लैंप जरूर देखे होंगे, पर कीमतें इतनी कम नहीं देखी होंगी। ये वाला आपको केवल 500 रुपीस में मिल जाएगा, जिसमें अभी आप देखिए कि लाइट जल भी रही है, और जो वो पीछे मार्बल इफेक्ट वाला है वो केवल आपको 800 रुपीस में मिल जाएगा। तो काफी सुंदर और बढ़िया कलेक्शन है। और ये जो छोटे शिवलिंग है 50 रुपए का है। अगर आप इस तरीके का छोटा ट्रांसपेरेंट शिवलिंग लेंगे तो ये केवल आपको 50 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सुंदर सुंदर लैंप्स हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, तो स्वदेशी मेले के अंदर सारे लैंप्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो कम कीमतों पे बढ़िया आइटम मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि बस जब हम आए तो आपको तसल्ली से, दिल लगी से हर कुछ दिखाते जाएं, घुमाते जाएं। इतने ना मेले लगते हैं दोस्तों लखनऊ के अंदर, कि सच कहें तो परिवार वालों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए हर मेला घूमना, आना, देखना संभव नहीं होता। तो फ्यूज़न किक्की चैनल के कैमरे की नज़र के माध्यम से आप जो हैं घूमिए, देखिए। इस तरीके के जो लहंगे आप देख रहे हैं दोस्तों, आप अपने हल्दी फंक्शन के लिए या फिर सिस्टर या कज़न फ्रेंड्स के हल्दी फंक्शन के लिए आप ज़रूर इसे ले सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो भैया पीला वाला लहंगा, इसका क्या प्राइस होगा? 2100 का। कुछ कम हो जाएगा क्या? 20% डिस्काउंट हो जाता है। तो आप देखिए दोस्तों कि ये आपको 2100 रुपए में 20% डिस्काउंट हो जाएगा, और इस तरीके के जो ड्रेसेस है आप ले सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि स्वदेशी मेले में जो स्टॉल के नंबर हैं वो भी हिंदी में लिखे गए हैं दोस्तों, ये बहुत एक अच्छी और ख़ास बात है। जैसे आप वहाँ पे देखिए, मैं भी इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, हालांकि ये शर्मनाक है मेरे लिए, पर शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ, तो वो 66 लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेडशीट्स के जो स्टॉल है वो दिख जाएंगे, और बाँस के बने हुए आपको खादी ग्राम उद्योग द्वारा संचालित जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। थोड़ा अगर आप और आगे बढ़ें तो डीके लेदर हरदोई, आपने एक वीडियो जो हमारा देखा होगा रविंद्रालय वाला, उसमें आपको डीके लेदर वालों का स्टॉल दिखा होगा ज़रूर। और फिर बुनकर कला के माध्यम से जो आपके खद्दर वाले जो चीज़ें होती वो दिख रही होंगी। स्वदेशी मेले के अंदर जो सबसे खास बात है कि स्टॉलों के नंबर आपको हिंदी में लिखे हुए दिख रहे हैं, 63 या 63 जिसे हम कहते हैं। 35-36 के बाद जब हम इंग्लिश में नंबर्स पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो पता ही नहीं होता कि क्या कहना है। ये 63 यानी 63 है। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, नीरज जी, आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें हैं? मैम सदरी हैं, ऊलन में कुर्ते मिल जाएंगे, ऊलन में शर्ट मिल जाएंगे, कॉटन में मेरे पास सभी प्रकार की शर्टें उपलब्ध हैं, और कुर्ते भी मिल जाएंगे, खादी में गमछा हैं, लोअर भी मेरे पास उपलब्ध है। तो नीरज सर ये बताइए, आपकी ये सब बुनकरों द्वारा हाथ का बुना हुआ जो करघा वाला होता है वो मटेरियल है? जी, जो हाथ का बुना होता है वही मटेरियल मेरे पास है। जी, आपके पास है। तो आपने देखा दोस्तों, तो जैसे अगर मैं सदरी की बात करूं, तो जेंट्स की जो सदरी वगैरह ये सब क्या रेंज है इनकी स्टार्टिंग प्राइस? मैम सदरी की रेंज है 1125 रुपये, छूट के बाद 1125 रुपये की पड़ती है। जो मेरे पास ये कुर्ता है ये केवल 750 रुपये में अवेलेबल है। जी मैम, देखिए दोस्तों कि आप जो भैया यह कुर्ता समेट रहे हैं, जो तह कर रही है, आपको 750 रुपये का पड़ जाएगा, और जो सदरी है वो 1125 रुपये की है। सारा जो आपका जो बुनकरों द्वारा जो हाथ करघे के ऊपर बुना जाता है दोस्तों, वो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है मशीनों के द्वारा। और इस तरीके के जो कपड़े हैं वो तो फैक्ट्रियों से बने हुए हमने काफ़ी पहने होंगे, लेकिन अपने देसी अंदाज के जो लोग हैं उनके द्वारा बुने गए जो कपड़े हैं वो आपको 63 नंबर स्टॉल पर मिल जाएंगे। और इसीलिए
चाहिए। इसके साथ ही मैं कहती हूँ ना कि जब भी ऐसे मेले लगे तो आप आएँ, ज़रूर लें, क्योंकि जो हमारे खुद के यहाँ के लोग हैं जो बनाते हैं, वो जब इस तरीके की चीज़ों का स्टॉल लगाते हैं ना दोस्तों, तो वो एक अच्छी, माफ़ करिए, कि बनी हुई ज्वेलरी का एक बहुत सुंदर सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। और इस तरीके की चीज़ें जो हाथ से बनती हैं उनके साथ में आपको इयररिंग्स दिख जाएंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत और यूनिक भी लग रहे हैं। सीशेल वाला भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पहले उनसे बात कर ले। हेलो मैम, योर गुड नेम? काजल राजपूत जी। तो काजल, ये बतलाओ कि अब तो खैर समापन का वक्त हो गया है, लेकिन आपके स्टॉल पर क्या कुछ चीज़ें हैं? मैम, हमारे यहाँ जूट के बैग हैं, रनर्स हैं, और टेबल मैट है, और जूट के ये हैंड जी। तो जैसे कि छोटे क्लचेस जो हैं, इनकी क्या प्राइस होगी? 200 रुपीज़ का। वॉलेट्स वगैरह का? ये भी 200 जी है। तो दोस्तों देखिए कि आपको इस तरीके के फैंसी जो बैग्स हैं कलरफुल, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, क्लचेस वगैरह दिख जाएंगे, और प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, 150-200 इस तरीके से जो कीमतें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कुछ फर्नीचर्स भी स्वदेशी मेले में आपको दिख रहे हैं। फिर है बॉम्बे एंड राजकोट की ज्वेलरी, तो वहाँ तो हम ज़रूर चलेंगे दोस्तों, और थोड़ा करीब से आपको दिखाएंगे कि चोकर सेट्स वगैरह है वो किस तरीके का है। तो आप देखो कि ऐसे जो कलरफुल चोकर सेट्स हैं ना फ्रेंड्स, वो हर एक ड्रेस के साथ, साड़ियों के साथ, आपका जो वेडिंग के लिए जो आपका कलेक्शन होता है उसके साथ चल जाता है। तो ये तो आप ज़रूर किसी न किसी मेले से एक आध पीस ज़रूर ले जाएँ, 200-250 से ज़्यादा नहीं लेंगे। और अब तो आप अगर इंसिस्ट करेंगे तो वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम जो ज्वेलरी है वो मैं सेल करके ही जाऊं, तो वो अच्छी बात रहेगी। चोकर सेट्स की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे दिख रही है। 6 नंबर के स्टॉल पे आपको वुलन बहुत अच्छा कलेक्शन दिख जाएगा, स्टोल है, शॉल है, वुलन आपके जो स्वेटर्स हैं उस तरीके की चीज़ें आपको मिल रही हैं, और उसके अलावा आपके जम्पर्स हैं, वुलन कार्डिगन्स भी आपको दिख जाएगा। थोड़ा इधर अगर आप देखें तो अदरक अचार है, देन आपका आम का अचार, नींबू अचार, मतलब अचारों की भी बहुत सारी वैरायटी मिल रही है। डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत कुछ है स्वदेशी मेले के अंदर, सुंदर सुंदर आपको पॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वासेस दिख रहे होंगे, और झुमके और इयररिंग्स भी मीनाकारी के ऊपर बहुत सारे आपको मिल रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों देखने के लिए। ऐसे एक आध झुमके पहन के तो आप कसम से दीपिका पादुकोण ही खुद को समझने लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना सुंदर लुक आता है ना करीब से अगर आप देखें। पीली पीली छोटी छोटी मोतियाँ, फ्लोरसेंट ग्रीन वगैरह जो इस तरीके के पेस्टल कलर्स होते हैं वो भी बहुत सुंदर इन झुमकों के ऊपर लगते हैं। ऐसे स्वदेशी मेले जो लगते हैं उनकी सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि ये जो पैसा है वो हमारे ही देश में, हमारे राज्यों में, या हमारे पड़ोसी राज्यों में रह जाता है, वहीं के लोग बनाते हैं। जो बहुत कई सारे लोग जो होते हैं ना दोस्तों, जिनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती, महिलाएँ होती हैं या पुरुष होते हैं, या ऐसे लोग जो जनजाति ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं बनती हैं, पर वो डायरेक्टली तो सेल कर नहीं सकते, क्योंकि शहरों तक आना, बॉम्बे, पुणे, लखनऊ, कलकत्ता इत्यादि तक पहुँचना संभव नहीं है, तो वो बनाकर जो है किसी के माध्यम से सेल करते हैं। तो आप ऐसे मेलों में हाथ से बनी हुई चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट जो करें और वही चीज़ें खरीदें, ताकि लोगों को भी रोज़गार जो है मिलता रहे, जीवन यापन चलता रहे। हाँ, कई सारे मेलों को कवर करते करते क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो हमें जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। और क्या सुंदर सुंदर क्लचेस रखा है आपने, क्या कीमत है मैडम? 400। तो आपको इस तरीके के सुंदर पार्टी वियर एथनिक क्लचेस जो है वो 400 के मिल जाएंगे। हालांकि अब तो समापन है तो थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? 20% डिस्काउंट पे सब कुछ रख दिया है। तो देखिए, आपको एथनिक बैग्स की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी मिल जाएगी दोस्तों, और आप डिस्काउंट भी मैडम कह रही हैं कि 20% हो जाएगा, इसकी क्या प्राइस हो? 450। तो इस तरीके के सुंदर बैग जो है वो कल तक का समय है, आप आके यहाँ से ले जा सकते हैं। कुशन कवर्स वगैरह भी है, उसके अलावा आपके जो टोट बैग्स की वैरायटी है, स्लिंग बैग्स है, काफ़ी कुछ इनके पास है। आइए, और बस 20% क्या आखिरी दिन होगा तो 25% छूट पर भी लेकर जाइए। थैंक यू मैडम। महिलाओं की मैं भीड़ आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर दोस्तों, कि कितने सारी महिलाएं इकट्ठा होकर, मतलब बस ख़रीदारी जो है करनी है, सुंदर शॉल, साड़ियाँ, स्टॉल्स जो है महिलाओं की नज़र से तो बच ही नहीं सकता। इन भाई साहब को भी अगर आप देखें तो आपको उत्तराखंड महोत्सव की वीडियो में याद आ जाएंगे। और बाकी यहाँ पर हैंडलूम की साड़ियाँ हैं, वुलन जो है, कोट्स वगैरह वो मिल रहे हैं, और आपका ग्रिल करने के लिए और स्टीम करने के लिए जो कॉर्न वगैरह, मोमोज़ वगैरह है वो भी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। और काफ़ी सारे लोग तो यहाँ टेस्टिंग के लिए खड़े रहते हैं कि भैया कुछ जो है वो बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है तंदूर करके टेस्ट कराएंगे। ये देखिए डेमो भी चल रहा है उधर।
उसके अलावा आपको कश्मीरी वुलन जो शॉल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी दिख जाएगी। और फिर बेबी क्राई का भी एक बहुत अच्छा स्टॉल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कुछ फ्लोरसेंट कलर के सुंदर सुंदर बच्चों के जैकेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा लुभावने और अट्रैक्टिव लग रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा ज्वेलरीज भी इनके पास काफ़ी सारी हैं। स्वदेशी मेले के अंदर खाने पीने के स्टॉल्स भी काफ़ी सारे लगे हैं, मेनूज़ किचन है, फिर आपका बनारसी पान, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाल मिठाई, पंजाबी ढाबा है, मक्के की रोटी, पंजाबी छोले भटूरे। फिर इधर वाले सेक्शन में अगर आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो खाने पीने के और भी बढ़िया स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे, डोसा, मोमोज़, मैगी, चाउमिन। देखिए डोसा यहाँ पर बन भी रहा है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा अगर आप उधर की तरफ देखें तो चाइनीज़ स्टॉल्स भी काफ़ी सारे हैं, टिक्की वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो घूमते घामते यदि आप थक जाएं तो फिर खाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। स्वदेशी मेले का आज पूरा टूर मैंने आपको कराया फ्रेंड्स। और कल रविवार का समय है आपके पास यहाँ पे आके 25% 20% डिस्काउंट पर भी चीज़ों को ले जाने का। जगह तो आपको पता ही है, फन मॉल के बिल्कुल रोड आप क्रॉस करेंगे उसके ऑपोजिट संगीत नाट्य अकादमी जहाँ माटी कला मेला लगा था वहीं पर पीछे आप जो स्टेज है वहाँ पर एक सबसे अच्छी बात चल रही है कि कुछ सारे लड़के लड़कियाँ युवक युवतियाँ जो है वहाँ पर जो कविता पाठ कर रहे हैं, अपनी अपनी कविताएँ लिख कर लाए हैं और वहाँ पर बोल रहे हैं। साथ ही साथ मेला अपने पूरे चरम पर है, साप्ताहांत है, शनिवार है, रविवार है, तो इस वक्त जो मेलों की रौनक होती है वो दुगनी तिगुनी चौगुनी होती है दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और कौन से मेले देखने हैं या फिर वीडियो में क्या कुछ पसंद आता है नहीं आता है आप कहिए। यूट्यूब की फैमिली एक हमारी फैमिली है, आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से चीज़ें आएंगी, उस हिसाब से वीडियोज़ आएंगी। तब तक के लिए बने रहिए। और साथ ही साथ इस वीडियोज़ के बाद आपके लिए काफ़ी कुछ नया भी आने वाला है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।